गोदरेज एग्रोवेट, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है एनिमल फीड मार्केट में इंडिया में। करीब 1 मिलियन टन्स का एनुअल सेल्स है। क्रॉप प्रोटेक्शन में उनके प्रोडक्ट्स हैं अक्रॉस द एंटायर क्रॉप लाइफ साइकिल, और इसके लिए सपोर्ट आता है एस्टेक लाइफ साइंसेस से, जिसमें इनका करीब 66% का होल्डिंग है, और वो मैन्युफैक्चर करती है वाइड रेंज ऑफ एग्रोकेमिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। एस्टेक लाइफ में इनका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू करीब 3,000 करोड़ के आसपास है। गोदरेज का मार्केट कैप है करीब 10,000 करोड़, तो नियरली 30% आता है एस्टेक से। लार्जेस्ट ऑयल पाम डेवलपर्स हैं इंडिया में, डेवलप किया है करीब 75,000 हेक्टर्स ऑफ प्लांटेशन अक्रॉस वेस्टर्न एंड सदर्न स्टेट्स, और नॉर्थ ईस्ट में भी प्रेजेंस है, और रिसेंटली फोकस में था जब इंडोनेशिया ने पाम ऑयल एक्सपोर्ट्स पर बैन लगाया था। इनका बड़ा रोल रहेगा इन इंडियाज फोकस ऑन अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी इन पाम ऑयल। और इनका दूसरा एक वर्टिकल है फूड्स एंड डेयरी का, जो B2C बिजनेस है और ग्रो कर रहा है करीब 40% YoY। वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है विद गुड रिस्क बैलेंस बिटवीन वेरियस वर्टिकल्स। अंडर परफॉर्म किया था क्योंकि मार्जिन्स इम्पैक्ट हुए थे, रॉ मटेरियल प्राइसेस अभी कम हुए हैं और हाई कॉस्ट इन्वेंट्रीज लिक्विडेट हो चुका है, तो Q2 काफ़ी बेहतर रहेगा। तो नेक्स्ट 3 ईयर्स का जो प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ, करीब 12% कैगर इन रेवेन्यू और अबाउट 18% कैगर इन एबिटा, तो मेरा टारगेट यहाँ पे 700 का बनता है बेस्ड ऑन EPS ऑफ अबाउट 28 फॉर FY 24।